सुप्रभात बच्चों, बच्चों आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक उन्मेष का पाठ नंबर 3 नींद करेंगे। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा जो पाठ है वो नींद है। अब देखिए, ये बच्चा सो रहा है और ये मम्मा उसके उसको उठा रही है, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर हम बातचीत करेंगे। बच्चों, आप अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने परिवार के साथ स्नेहपूर्वक यानी कि प्यार से रहना चाहिए, अपने बड़ों और अपने बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। बच्चों, इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची पीलू है और उसकी मम्मा की कहानी है। पीलू जो है वो हर काम को करने का आलस करती है, ठीक है, और वो अपनी मम्मा से कहती है कि मैं सारा काम नींद में कर लूँगी। चलिए अब हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, पीलू ने जोर से कहा और चादर में मुंह घुसा लिया। पीलू कहती है कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ, और वो चादर ओढ़कर सो गई। और पढ़ाई? मम्मी ने पूछा, और पढ़ाई पढ़ाई कब करोगी? और वो कहती है, वह मैं नींद में कर लूँगी, वह तो मैं नींद में ही कर लूँगी। नींद में कैसे? बिस्तर से उसकी पुस्तकें उठाते हुए मम्मी ने कहा। मम्मी ने उस बेड पर उसकी पुस्तक पढ़ी थी ना, किताबें पढ़ी थी, वो उठाते हुए कहा, नींद में तुम पढ़ाई कैसे कर लोगी? हो जाती है मुझसे, नींद में मैं सोचती रहती हूँ, मैडम ने जो जो पढ़ाया सब पढ़ लेती हूँ। वो कहती है, नींद में सोचती रहती हूँ कि आज क्या काम हुआ, कौन कौन सा काम करना है, और मैम ने जो पढ़ाया मैं पढ़ लेती हूँ। ये सब वो आलस कर रही थी, ठीक है, बहाने बना रही थी। वो आपसे बात भी तो मैं सोते सोते कर रही हूँ। आप क्या सोच रही थी कि मैं जाग रही हूँ? और वो मम्मा से कहती है, आप क्या सोच रही हैं मैं जाग रही हूँ? मैं तो आपसे बातें भी सोते सोते कर रही हूँ। और होमवर्क? मम्मी ने पूछा, फिर तुम होमवर्क कैसे करोगी? लिखने का काम कैसे करोगी? वह भी हो जाएगा, मैंने कॉपी पास में रख ली है, नींद में कर लूँगी। वो कहती है, मैंने तो कॉपी अपने पास रख ली है, वो भी कर लूँगी। और खेलोगी कब? अब मम्मी भी चला क्या? मम्मी कहती, ठीक है, ऐसे तो काबू नहीं आएगी, अब मैं इससे पूछती हूँ, और खेलोगी कब? वो कहती है, तुम कब खेलोगी फिर? वह तो मैंने नींद में जाने से पहले खेल लिया था। वो क्या कह रही है पीलू कि मैंने तो नींद में सोने से पहले मैंने खेल लिया था, खेलने वाला काम तो मैंने पहले ही कर लिया है। चलो अच्छा है, उसकी मम्मी कहती है, चलो ऐसे नहीं काबू आते, तब देखो मैं और तरीके से कहती हूँ, अब तुम नींद में ही मटर की कचौरी खा लेना, हाँ खीर भी और आइसक्रीम भी, पर देखो आइसक्रीम थोड़ी जल्दी खाना, टपक गई तो। मम्मी ने कमरे से निकलते निकलते कहा। मम्मी ने कहा, ठीक है, जब तुम सारा काम ही नींद में कर लोगी तो ऐसे करना, मैंने मटर की कचौरी बनाई है और खीर भी बनी हुई है, आइसक्रीम भी, वो भी खा लेना। और ऐसे करना, खीर ना आइसक्रीम जल्दी जल्दी खाना, अगर वो पिघल गई तो कैसे खाओगी? अब पीलू सोचती है, अब तो मम्मी मेरे कामों में नहीं आने वाली। वो कहती है, मम्मी आप भी ना, अब सारे काम मैं नींद में ही करवा लूँगी, फिर जागने के बाद क्या करूँगी? वो कहती है, अगर मैं सारे काम नींद में कर लूँगी तो जागने के बाद मैं क्या करूँगी? वैसे भी आइसक्रीम गिर गई तो नींद को ठंड नहीं लग जाएगी। वो कहती है, अगर मैं सोते सोते आइसक्रीम खाऊंगी वो गिर जाएगी तो मेरी नींद को ठंड लग जाएगी। अब देखो आपने इस कहानी में क्या देखा, ये बच्ची वो आलस कर रही है ना पहलू, तो बच्चों क्या हमें आलस करना चाहिए? क्या आप सारे काम नींद में कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो? नहीं ना, तो हमें कोई भी काम करने के लिए उठना पड़ता है, ठीक है बच्चों? तो आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।